बागवानी सुशासन अभियान के तहत अवैध कॉलोनी नाइजरों पर जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। आज बड़वानी नगर पालिका सीएमओ कुशल से डुडवे द्वारा शहर के दो कॉलोनी अभिनंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर दिलीप जैन और गोकुल नगर कॉलोनी के शंकर चौधरी और बाबू सिरवी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी राजेश यादव के अनुसार दोनों कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों के विरुद्ध कॉलोनी काटी गई। वहीं नपा सीएमओ का कहना है, कलेक्टर साहब के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी ने कॉलोनियों की जांच की गई थी, जिसमें कई विसंगतियां पाई गई, जिसके चलते दो कॉलोनी के कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। पुलिस द्वारा फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कलेक्टर साहब के निर्देशन पे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने एक जांच की थी कॉलोनियों की, उसमें विभिन्न कॉलोनियों पे पहले भी एफआईआर दर्ज हुई, आज दो कॉलोनाइजरों पे पुनः एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। ये सेगांव के निवासी हैं दोनों, और अभी हम लोग पूरे दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए हैं और दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ श्री कुशल सिंह डुडवे जो है कलेक्टर साहब के द्वारा जो जांच कराई गई थी, वो पूरी जांच रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, और इनके द्वारा जो दिलीप जैन निवासी बड़वानी है, इसके द्वारा एक अभिनंदन नगर नाम से कॉलोनी विकसित की गई थी, और इस कॉलोनी में करीब 1.5 एकड़ जो एरिया है उसमें करीब 50 भूखंड इन्हें दिलीप जैन ने बनाकर बेचे हैं। इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, TNC से कोई अनुमति नहीं है, डेवलपमेंट की अनुमति नहीं है, और इसका डाइवर्शन भी नहीं कराया गया है, और पूरे इसमें नियमों का उल्लंघन करके कॉलोनी अवैध रूप से लोगों को झूठी जानकारी देकर जो है ये कॉलोनी डेवलप की गई है, और उनसे पैसा वसूल किया गया है, जो इनके खिलाफ धारा 420, 467, 468 IPC और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और टाउन एंड कंट्री एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो ये मामला है, इसी प्रकार से एक गोकुल नगर नाम से कॉलोनी बड़वानी विकसित की गई है, इसमें शंकर चौधरी और बाबू सिरवी दो नाम बताए जा रहे हैं। इन्होंने जो है करीब 0.538 हेक्टेयर ज़मीन जो है उस पर कॉलोनी विकसित की है, और वो भी जो कॉलोनी है पूरी तरह अवैध है, इसमें किसी प्रकार की TNC की अनुमति नहीं है, ना ही डाइवर्सन की अनुमति ली गई है, 165 की अनुमति नहीं है इसमें, और पूरी तरह से लोगों को गलत जानकारी देकर अवैध कॉलोनी को वैध बताकर इनके द्वारा बेचकर उनसे लाखों रुपये वसूल किए गए हैं, जो जांच के पश्चात जो है सीएमओ साहब की उस पर रिपोर्ट के कहने पर ये धारा 420, 467, 468 IPC और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और ग्राम और नगर निवेश अधिनियम के तहत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ। बड़वानी जिले में आज हुआ कोरोना का महाविस्फोट। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, रोज मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। आज जिले में सबसे ज्यादा 37 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज सेंधवा और पानसेमल में 8-8 और बड़वानी में 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज जिले के बड़वानी में 6, सेंधवा में 8, पानसेमल में 8, निवाली में 2, गुमड़िया में 2, ओसवाड़ा में 1, बोरलाई में 1, धावड़ी में 1, बाबदड़ में 1, खेतिया में 1, सकराली में 1, टेमला में 1, जलगोन में 1 और अंजड़ में 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। यदि बात पॉजिटिव मरीजों की करें तो बड़वानी में 6, जिसमें ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 1, साकेत रेसिडेंसी में 1, सुतार मोहल्ला में 1, नाई मोहल्ला में 1, पुलिस कंट्रोल रूम 1, बोरावाड़ी 1, सेंधवा में 8, जिसमें देवी अहिल्या मार्ग में 1, नाले पार में 1, राम कटोरा में 2, नंद कॉलोनी में 1, AB रोड पर 2 और सेंधवा में 1, पानसेमल प्रॉपर में 7 व सुभाष मार्ग पानसेमल में 1, निवाली में 2, जिसमें खेतिया रोड पर 1, मुनिया कॉलोनी में 1, अंजड़ में 3, जिसमें वार्ड क्रमांक 5 में 1, वार्ड क्रमांक 10 में 1 और वार्ड क्रमांक 14 में 1, गुमड़िया में 2, ओसवाड़ा 1, बोरलाय 1, धावड़ी 1, बाबदड़ 1, खेतिया 1, सकराली 1, टेमला 1, जलगोन में 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। अब बड़वानी जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 3,245 हो गई है, जिसमें से 3,074 लोग उपचार के बाद अपने घर वापस जा चुके हैं, जबकि अब 140 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। लोकतंत्र न्यूज सभी दर्शकों से अपील